नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी सात खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले हम आपको दुश्मन के बंकर का चूर्ण बनाने वाली ऐसी शक्ति के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सोचकर ही चीन से पाकिस्तान तक दहशत है। यह खबर बॉर्डर पर दुश्मन को कूट देने वाली उन 400 तोपों की है जो भारतीय सेना के जंगी बेड़े में आएंगी। इस पर धमाकेदार वीडियो रील तैयार है। फिर मध्य प्रदेश में वोट प्रेमी नेताओं को चुनावी बूटी देने वाले बाबा बागेश्वर की बात करेंगे जो लोकेशन देखकर अपने बयान बदल लेते हैं। अब बागेश्वर सरकार ने क्यों जनता को ही असली बाबा बताया, इसकी भी दिलचस्प वजह आपको बताएंगे। फिर इंडिया गठबंधन में पीएम वाले गोलमाल की बात भी होगी। आपने अपनी डपली अपना राग वाली कहावत सुनी होगी। पीएम पद के लिए इंडिया गठबंधन में अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नीतीश के अरमानों पर केजरीवाल ने कैसे पानी फेरा, यह भी आपको दिखाएंगे। आज हमने कश्मीर के बाहुबली बल्लों पर सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है। ये वो बल्ले हैं जो अगले महीने होने वाले वर्ल्ड कप के लिए फुल डिमांड में हैं, जो चौकों और छक्कों की गारंटी हैं। ये बल्ले जहां तैयार होते हैं सीधे वहां से आपको वीडियो रील दिखाएंगे। फिर एक बड़ा सवाल, क्या सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट बिकाऊ है? साउथ के एक्टर विशाल ने आरोप लगाया है कि फिल्म पास कराने के लिए उन्हें सेंसर बोर्ड को 6.5 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ी, इसलिए आज सेंसर बोर्ड में करप्शन के आरोपों वाली कुंजी खोलना भी जरूरी है। आज की एक बड़ी खबर यह है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज कानून बन गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इससे लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। आज पाकिस्तान एक के बाद एक हुए दो धमाकों से दहल गया। पहले बलूचिस्तान में ईद मिलाद के जुलूस के दौरान हुए आत्मघाती हमले में 52 लोगों की मौत हो गई। फिर खैबर पख्तूनवा में नमाज के दौरान हुए ब्लास्ट में भी कई लोग मारे गए। दोनों धमाकों में करीब 60 लोगों की मौत की खबर है। तो सत्ता में आज सियासी खबरों वाले मसाले की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, लेकिन सियासी कुंजियां खोलने से पहले आप सभी न्यूज मित्रों को देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत जरूरी खबर के बारे में बता देते हैं। यह एक ऐसी खबर है जिसमें 400 तोपों की गर्जना है और इसके बारे में चर्चा दुश्मन देशों में भी हो रही है। यह खबर उन 400 होवित्जर तोप से जुड़ी हुई है जिससे निकले गोलों से पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों की गोद में बैठे आतंकी धुआं धुआं हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि अब दिन हो या रात, किसी भी वक्त दुश्मन पर सबसे बड़ा आघात किया जा सकेगा। नाइट विजन वाली तोप आधी रात में गोलों की तसल्ली बख्श डिलीवरी करेंगी। इसलिए इंडियन आर्मी के एक ऑर्डर के बाद चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है उनका, और अभी तो यह शुरुआत है। सोचिए 400 होवित्जर की दस्तक से चीन से पाकिस्तान तक धक धक मची है, तो उस वक्त क्या होगा जब ये होवित्जर भारत के जंगी बेड़े में शामिल हो जाएंगे। अब आपको चीन और पाकिस्तान के डर की वजह भी बता देते हैं। दरअसल भारतीय सेना 400 होवित्जर तोप खरीदने वाली है और इसके लिए उसने रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में 155 मिलीमीटर की और 52 कैलिबर टीजीएस होवित्जर की डिमांड की गई है। सबसे खास बात यह है कि इंडियन आर्मी को जो होवित्जर मिलेगी वो पूरी तरीके से स्वदेशी होगी और भारतीय कंपनियां ही उसका निर्माण करेंगी। अनुमान के मुताबिक इस पर करीब 6,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दावा किया जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस पर एक हाई लेवल बैठक भी बुलाने वाली है जिसमें होवित्जर तोपों की खरीद पर फैसला लिया जा सकता है। अब आपको समझाते हैं कि इस खबर को सुनने के बाद दुश्मन के खेमे में इतनी बेचैनी क्यों है। तो इसकी वजह है होवित्जर तोप की खासियत। इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। ये 155 एमएम की कैटेगरी में दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी तक गोले दागने में सक्षम है। इस होवित्जर के बैरल की लंबाई 26.44 फुट यानी करीब 8,000 मिलीमीटर की है और सबसे बड़ी बात यह कि इससे हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक राइफल की तरह सेल्फ लोडेड सिस्टम भी है। स्कोप से निशाना लगाने के लिए थर्मल साइट सिस्टम भी लगा हुआ है, मतलब रात में भी इससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद है और जो बात इसे सबसे घातक बनाती है वो ये कि जो 400 होवित्जर तोप सेना को मिलेंगी वो -30 डिग्री सेल्सियस से -75 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सटीक फायर कर सकती है। आज हमने इस होवित्जर पर आप सभी न्यूज मित्रों के लिए विस्फोट और धमाकों से भरी एक रील भी तैयार की है, आप उसको भी देख लीजिए।
ताकतवर गन, इतनी खतरनाक गन जो कि दूर बैठे पहाड़ी पर दुश्मन को निस्तनाबूद कर देगी। इसे डिज़ाइन किया गया है और प्रपोज किया जा रहा है इंडियन आर्मी को। आपको बता दूं कि यह अल्ट्रा लाइट वेट गन सिस्टम है और इसे भारत में ही डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। इसका जो एक्सट्रीम वेट है वो अप्रॉक्स 8 टन है, यानी कि तमाम तरह के असला बारूद के साथ, अपने गोलों के साथ जब ये तैयार होती है तो इसका जो अप्रॉक्स वेट हो जाता है वो 8 टन का हो जाता है। और इसे किसी भी एरिया में, यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। क्षमता की अगर हम बात करें तो 41 किलोमीटर से ज्यादा के रेंज पे खड़े हुए दुश्मन को ये टारगेट कर सकती है, यानी कि अगर दुश्मन हमसे 41 किलोमीटर दूर है तो ये वहाँ पे भी जमीन पर रहकर चोटी पर बैठे हुए दुश्मन को टारगेट करके उसे उसके ही इलाके में डिस्ट्रॉय कर सकती है, दुश्मन के बंकर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। बेसिकली क्या है, एक वो तोप है जिसका बैरल लंबा होता है, सीधी बात है, उसका जो बैरल का जो गोलाई है वो कम से कम 30 कैलिबर की होनी चाहिए, अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। 155 mm जो अब हमारी स्टैंडर्ड मीडियम गन बन गई है, इसी को अब हम हॉविट्जर के तौर पर ले रहे हैं। कि दुश्मन को हम दूरी तक मार पाते हैं, दूसरा डायरेक्ट फायर कर पाते हैं, तीसरा होविट्जर के तौर पर इनडायरेक्ट फायर कर पाते हैं। सो अपने आप में अगर हमारे पास एज अ मेन स्ट्रे, या जिसको बोलते हैं हमारी मेन गन 155 mm बनती है, तो ये हमें ओवरऑल हर फील्ड में एडवांटेज देता है। और हम सेना को मिलने वाली इन होविट्जर तोप पर सत्ता की एक और कुंजी भी खोल लेते हैं। होविट्जर को ATAGS भी कहा जाता है और इसका पूरा नाम होता है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। होविट्जर का मतलब होता है छोटी तोपें। ऐसे में आपके मन में यह सवाल भी आ सकता है कि छोटी तोप कैसे सेना के लिए फायदेमंद होगी। असल में दूसरे विश्व युद्ध और उसके बाद तक लड़े गए कई दूसरे युद्ध में भारी और बड़ी तोपों का इस्तेमाल होता था, लेकिन ऐसी तोपों को लंबी दूरी तक ले जाने और ऊंचाई पर तैनात करने में काफी मुश्किलें आती थी। इसी को देखते हुए हल्की और छोटी तोपें बनाई गईं, जिन्हें होविट्जर कहा जाता है। ये होविट्जर तोप ऊंचाई के साथ साथ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। इसलिए सेना चाहती है कि पुरानी बोफोर्स तोपों की वजह से की तरह ही ये तोपें वजन में हल्की हों और इन्हें ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करना आसान हो। यानी जब ये तोप भारतीय सेना को मिल जाएंगी तो इनमें से ज्यादातर की तैनाती बॉर्डर पर की जाएगी, जिसके बारे में सोचकर अभी से चीन और पाकिस्तान बेचैन होंगे। और सत्ता में अब बात मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति की, जिसमें बाबा बागेश्वर पिछले कुछ समय से सियासी चुंबक बने हुए हैं। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं, हर राजनीतिक दल बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की परिक्रमा करके चुनावी लाभ लेने के चक्कर में है। इस रेस में पिछड़ने का इतना भय है कि कोई बाबा बागेश्वर की आरती उतारता है तो कोई बाबा बागेश्वर के आगे हाथ जोड़कर तब तक खड़ा रहता है जब तक कि अटकी हुई कृपा की सप्लाई बिना रुकावट के शुरू ना हो जाए। अब बाबा बागेश्वर के सामने संकट यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों वोट वंदना कर रहे हैं, सियासी आरती उतार रहे हैं, दोनों उनकी धार्मिक सभाओं में भी जा रहे हैं, दोनों तरफ से बाबा की जय जयकार हो रही है। अब बाबा के सामने संकट यह है कि जब दोनों अपने हैं तो जीत का आशीर्वाद वो किसको दें। भारत में कोस कोस पर वाणी बदलने की कहावत है, उसी तर्ज पर बाबा की वाणी और डायलॉग मध्य प्रदेश में उनकी लोकेशन के हिसाब से बदल जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि बाबा बागेश्वर कहते हैं कि उन्होंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। इस संकट को सुलझाने के लिए भी बाबा ने एक गोली चल दी है, ऐसा बात कही है, जिससे नेता भी खुश हैं और बाबा भी खुश हैं और साथ ही जनता भी खुश है। बाबा बागेश्वर ने वोट प्रेमी नेताओं को नसीहत दी है कि बाबा की परिक्रमा करने से कुछ नहीं होगा, जनता के बीच जाओ, जनता को ही बाबा बना लो, वही जीत वाली कृपा वहां पर अटकी हुई है। सुनिए एक बार बाबा बागेश्वर ने शब्दशः क्या कहा। कोई भी पार्टी के नेता हो,
कोई मंत्र देंगे उनको जीत का कि वो ऐसा काम करे ताकि वो देश? बाबाओं से चुनाव नहीं जीतना, जनता को ही बाबा मान ले तो चुनाव जीत। बाबाओं से चुनाव नहीं जीतना, जनता को ही बाबा मान ले तो चुनाव जीत। अब नेताओं की बाबा वाली रणनीति पर आते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में बाबा इतने अहम कैसे हो गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में आजकल तीन बाबा सुपर एक्टिव हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचक पंडोकर सरकार। राज्य के कुल 230 विधानसभा की सीटों में से 150 सीटों पर ये कथावाचक और धर्म पर ज्ञान देने वाले बाबाओं का अच्छा खासा नेटवर्क है। इसमें सबसे ज्यादा असर मात्र 26 वर्ष के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर का माना जाता है। मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने वालों के मुताबिक मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के 5 जिलों में बाबा बागेश्वर का सबसे ज्यादा असर है। इन 5 जिलों में 26 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में बाबा का अक्सर लोगों में बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में 82 सीटें आरक्षित हैं, 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन इलाकों में बाबा बागेश्वर कई धार्मिक कथा और सभाएं करते रहते हैं। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कर चुके आदिवासियों की घर वापसी भी वो करा चुके हैं। बाबा बागेश्वर के जरिए बीजेपी इन आदिवासियों को अपनी तरफ खींचना चाहती है। पिछले चुनाव में सुरक्षित सीटों पर बीजेपी को घाटा हुआ था, इसकी भरपाई बाबा बागेश्वर के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कभी शिवराज सिंह चौहान तो कभी बीजेपी के दूसरे नेता बाबा के सामने नतमस्तक होते रहते हैं। कांग्रेस भी ये बात समझ रही है कि अगर बाबा बागेश्वर ने बीजेपी की मदद की तो थोड़ा नुकसान तो होगा, जो गलाकाट प्रतियोगिता की स्थिति में भारी पड़ सकता है। इसलिए खुद कमलनाथ कभी आरती उतारते हैं, कभी उनके बेटे बाबा के सामने नतमस्तक होते हैं। वैसे बिना आरक्षित वाली सीटों पर भी बीजेपी को बाबा बागेश्वर से फायदा मिलने का अनुमान है। दरअसल बाबा बागेश्वर जिस हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बीजेपी को वो सूट करता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बीजेपी के अंदर से भी ऐसी बातें आती रहती हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री युवा हैं, युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बीजेपी मानकर चल रही है कि बाबा बागेश्वर की तरफ आकर्षित होने वाले युवा अगर चुनाव में उनका समर्थन कर दें तो वो कांग्रेस पर आसानी से बढ़त बना लेंगे। इसी बात का डर कांग्रेस को है, इसलिए एमपी कांग्रेस ने सबसे बड़े जो उनके नेता हैं कमलनाथ, वो ये उनको कहना पड़ता है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है। वह भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। अब तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं, अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। जनता को ही बाबा मान ले तो चुनाव जीत, बाबाओं से चुनाव नहीं जीतना। कई राजनेताओं की सभा कथाएं के माध्यम से कथाएं हैं, उसमें भी कभी नहीं कहा, लेकिन इसी बार क्यों कहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के मंत्री जी ने, सरकार के मंत्री जी ने भोपाल से जो आते हैं, उन्होंने इस धार्मिक मंच का दुरुपयोग करने का प्रयास किया होगा, तभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को ऐसा कहना पड़ा। मैं निश्चित रूप से, जनता ही भगवान है, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए, सेवा करोगे तो भगवान प्रसाद जरूर देता है। क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही, 82% अगर भारत में हिंदू हैं, तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ना दिग्विजय सिंह को, ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं। वैसे मध्य प्रदेश में साधु संत, साध्वी और बाबा हमेशा से पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी एमपी में बाबाओं ने राजनीति का अच्छा खासा स्पेस लिया था। कंप्यूटर बाबा, भैयू जी महाराज, हरिहर नंद जी जैसे संत बुंदेलखंड, निमाड़, मलवा में, मालवा में काफी सक्रिय रहे थे।
2018 से पहले और कुछ दिनों तक कंप्यूटर बाबा का जलवा तो ऐसा था कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया था। बाद में कमलनाथ सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। आज एमपी में चुनाव से पहले जिस तरह से बाबाओं की चर्चा हो रही है वो नया बिल्कुल भी नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति बाबाओं के इर्द गिर्द हमेशा से घूमती रही है, ये बात सभी बाबा समझते भी हैं और सियासी चुंबक बनकर नेताओं को अपनी परिक्रमा करवाते भी हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि बाबाओं का बैलेंस जो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सटीक बना रहता है, यानी बाबा बैलेंस बनाकर रखते हैं। सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी कैलेंडर है, इंडिया में खटपट है और बिहार के सीएम को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग है। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बहुत सी प्लानिंग हुई, कई कमेटियां बनी, कई सब कमेटी भी बनी और दावा किया गया कि तेजी से काम किया जाएगा। लेकिन पटना, बेंगलुरु और फिर मुंबई की बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन उसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है कि नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए पीएम उम्मीदवार कौन होगा। वैसे तो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं पार्टियों की सेकेंड लाइन अपने अपने नेताओं के लिए बैटिंग करने में भी जुटी हुई है। इंडिया गठबंधन में आरजेडी और जेडीयू की तरफ से आज नीतीश कुमार के नाम की चर्चा छेड़ दी गई। इससे पहले कल आरजेडी नेताओं ने फुलवारी शरीफ में चादर चढ़ाकर नीतीश कुमार के पीएम बनने की दुआ भी मांगी। आरजेडी कह रही है इस बार पीएम बिहार से ही होना चाहिए, नीतीश कुमार योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। प्रवक्ताओं के बयान के बाद आज पीएम की कुर्सी वाले सवाल पर अरविंद केजरीवाल की भी एंट्री हुई। उन्होंने कहा हमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करनी चाहिए, देश में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें सभी 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री हों। पीएम उम्मीदवारी पर बयानों वाली इस रेस में नीतीश कुमार के पुराने साथी प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर तंज किया, कहा लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है लेकिन इनकी बातें प्रधानमंत्री से ही शुरू होती हैं। वैसे जब नीतीश कुमार की चर्चा छिड़ी तो बीजेपी की तरफ से भी तीखा हमला किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिम वोटों के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार ने कुकर्म किया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा ये तो पता नहीं, लेकिन शुरुआती बयानों के जैसे रुझान आ रहे हैं इससे तो समझ में आ रहा है कि हंगामा खूब होगा। एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना या अच्छी तरह जान लीजिए, हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे। इस बार बिहार का प्रधानमंत्री हो ये मेरी अपनी इच्छा है, अपनी मांग है और मैं चाहूंगा कि बिहार का लोग नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री हो। आज नीतीश कुमार हैं तो बीजेपी ने नीतीश कुमार बनाया, जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनते इसी लालू यादव से, और आज मुख्यमंत्री अगर हैं तो बीजेपी का एहसान मंद रहे। दुआ कर रहा है तो इसमें कोई बुराई है नहीं, एक बिहारी होने के नाते हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार से कोई प्रधानमंत्री बने, आदर नीतीश कुमार जी में वो क्षमता है, वो योग्यता है, वो अनुभव है, वो प्रधानमंत्री बने। आरजेडी का एमपी है जीरो, लोकसभा में आरजेडी का जीरो एमपी है, जीरो, लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री कौन देश का होगा ये तय करेंगे। अगर कोशिश की और दुआ की कि बिहार में अमन अमान रहे और उनके लिए दुआ की गई कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने, इसकी दुआ यहाँ की गई और लोगों ने आमीन कहा। देखिए हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग एक एक आदमी फील करें कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना। आपने नोट किया होगा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री हों, जाहिर है 140 करोड़ लोग पीएम तो हो नहीं सकते,
ये सिर्फ कहने वाली बात है। और इस बात की आड़ में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार वाले सवालों को घुमा दिया। वैसे पीएम उम्मीदवार का तय ना हो पाना इंडिया गठबंधन में विवाद का एकमात्र कारण नहीं है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक तय नहीं हो पाए हैं। इसमें पहले नंबर पर है पीएम मोदी के खिलाफ चेहरा तय करने की बात, दूसरे नंबर पर संयोजक का पद, सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी तय नहीं हो पाया है। साझा रैली होने की बात थी, मध्य प्रदेश में रैली तय करने की बात भी हो गई थी लेकिन वो रद्द कर दी गई। इंडिया गठबंधन का एजेंडा जैसे जाति जनगणना पर मतभेद खुलकर सामने आ चुका है। वैसे इसके अलावा भी इंडिया गठबंधन में कई मोर्चों पर संग्राम है। सबसे ज्यादा खटपट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस और डीएमके के बीच है। एक एक करके समझिए, पहले आप और कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आपकी सरकार ने पंजाब में कांग्रेस के एक विधायक को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब कांग्रेस ऐलान कर चुकी है कि वो सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अकेले 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल में है, वहां अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। अधीर रंजन चौधरी ने सबसे पहले ममता बनर्जी के स्पेन दौरे को फिजूल खर्ची कहा, फिर पश्चिम बंगाल में डेंगू को ममता निर्मित डेंगू कह दिया। इस पर टीएमसी ने अधीर रंजन चौधरी को गठबंधन धर्म पालन करने की नसीहत दी। इससे पहले टीएमसी जाति जनगणना को इंडिया गठबंधन के एजेंडे में शामिल करने का विरोध कर चुकी है। तमिलनाडु में डीएमके के रुख से दिल्ली में कांग्रेस टेंशन में है। डीएमके नेता लगातार सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने डीएमके के बयान से तो किनारा कर लिया लेकिन बीजेपी को जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो इंडिया गठबंधन के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है, खासकर टीएमसी और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को परेशानी तय है। हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सब ठीक कर लिया जाएगा लेकिन कैसे ठीक होगा इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दरअसल कांग्रेस की समस्या यह है कि वो ज्यादातर राज्यों में बीजेपी के साथ क्षेत्रीय दलों से भी लड़ाई के मैदान में रही है। अब उसे इन्हीं के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है। उदाहरण से ऐसे समझिए कि यूपी में पहले समाजवादी पार्टी से लड़ाई थी, अब गठबंधन करना है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में टीएमसी से लड़ाई थी, अब गठबंधन करना है। केरल में विधानसभा में लेफ्ट से लड़ाई थी, लोकसभा में अब गठबंधन करना है। पंजाब में विधानसभा में आम आदमी पार्टी से लड़ाई है, लोकसभा में अब गठबंधन करना है। दिल्ली में भी यही हाल है, आम आदमी पार्टी से लड़ाई है और अब गठबंधन करना है। गुजरात में कांग्रेस बीजेपी के साथ आप से भी लड़ रही है। हिमाचल में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम से परेशान है। गोवा में भी यही हालात है, वहां भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से परेशान है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन का रास्ता कांटों से भरा हुआ है और इसमें अभी बहुत संकट है। इन्हें इन संकटों को दूर करने के लिए बहुत सी तैयारियां करनी होंगी। हालांकि झटका बीजेपी को भी लगा है। तमिलनाडु में बीजेपी के सहयोगी AIADMK ने गठबंधन तोड़ लिया है। पंजाब में बीजेपी को बिना अकाली दल के चुनाव में जाना होगा। हालांकि बीजेपी को कर्नाटक में JDS का साथ मिल गया है। बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां भी तेज कर दी हैं, जिसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव से हो रही है। कल गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में बैठक की थी, आज छत्तीसगढ़ में बैठक हुई, JP नड्डा ने दिल्ली में बैठक की। पीएम मोदी का चुनाव राज्यों में दौरे का कैलेंडर भी आ गया है। पीएम मोदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा शुरू करेंगे। 1 अक्टूबर को सबसे पहले पीएम मोदी तेलंगाना जाएंगे। सोमवार 2 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। 2 अक्टूबर को ही पीएम मोदी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जाएंगे। मंगलवार 3 अक्टूबर को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। गुरुवार 5 अक्टूबर को फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश जाएंगे। यानी अगले पूरे हफ्ते चुनावी राज्यों में पीएम मोदी के तूफानी दौरे होने वाले हैं। और सत्ता में अब हम बात उस कश्मीर की करने जा रहे हैं जिसके नाम के साथ कभी आए दिन आतंकी घटनाओं, गोलीबारी और पत्थरबाजी का जिक्र होता था। लेकिन अब कश्मीर कैसे बदल रहा है इसका एक और प्रमाण वहां बनने वाले कश्मीरी बल्ले दे रहे हैं, जिनसे अब इंटरनेशनल क्रिकेट में खूब चौके छक्के लगते हैं। और इस साल होने वाले वर्ल्ड कप से पहले कश्मीर के ये बल्ले फुल डिमांड में हैं। यानी आज सत्ता में हम एक ऐसे कश्मीर की बात करेंगे जहां से पहले बुलेट की खबरें आती थी लेकिन अब उसी कश्मीर से बैट की खबरें आ रही हैं। आज हम आपको उस कश्मीर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां बनने वाले बल्ले आज पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं। इन्हीं कश्मीर के बल्लों से अब अगले महीने भारत में शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में रन बरसने वाले हैं। क्रिकेट में बल्लेबाज जिस बैट से हजारों रन बनाते हैं उन्हें विलो बैट कहा जाता है और इसे विलो बैट नाम एक पेड़ की लकड़ी से तैयार किया जाता है इस वजह से दिया गया है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां विलो का पेड़ होता है और बैट उसके बनाए जाते हैं। कश्मीर के इसी विलो बैट से पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप में उस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का मारा गया था। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कश्मीर के विलो बैट से सबसे लंबा छक्का मारने का रिकॉर्ड UAE के खिलाड़ी जुनैद सिद्दीकी ने बनाया था, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ हुए एक मैच में
कश्मीर के विलो बैट से 109 मीटर लंबा छक्का लगाया था। अब कश्मीर के ये बल्ले एक बार फिर वर्ल्ड कप से पहले ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप में अलग अलग देशों से 17 इंटरनेशनल क्रिकेटर कश्मीर के इस विलो बैट से खेलने वाले हैं। इसलिए आज हम आपको कश्मीर की लोकप्रिय विलो बैट इंडस्ट्री पर एक रील दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कितनी कड़ी तपस्या के बाद विलो पेड़ की लकड़ी से एक बल्ला तैयार किया जाता है। साल 2021 के बाद आईसीसी से कश्मीरी विलो बैट्स के अप्रूव के बाद लगातार कश्मीरी विलो बैट्स इंग्लिश विलो बैट्स को टी टक्कर दे रहे हैं। अब लगातार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, अफगानिस्तान टीम्स के प्लेयर्स इन बैट्स को इस्तेमाल करते हैं। खिलाड़ी जहाँ केएल राहुल है, विराट कोहली हैं, करीब करीब सारे खिलाड़ी आते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय के भी और कारीगर भी हैं, वे भी बनाते हैं। वर्ल्ड कप शुरू हो गया तो काफी काम का लोड होगा, क्योंकि ऑर्डर्स भी बहुत है, तो कैसे करते हैं इसको? ज्यादा ऑर्डर पूरे नहीं होते, हाँ कारीगर नहीं मिल पाते ना इसके। अच्छा। पूरे हाँ जी, वे मेरिट से आते हैं। कश्मीरी विलो बैट छा गया है, तो क्या लग रहा है आपको? एक कश्मीर से एक पॉजिटिव मैसेज भी जा रहा है। जी सर, ये बात सच है, हमारा बैट वर्ल्ड कप में जा रहा है इस वक्त, मगर अभी ये नाम किसी को नहीं बता सकते, अभी सिट्रिक है। हाँ। तो मैंने कल भी 7-8 बैट निकाले इंटरनेशनल के लिए। अभी जो हम एक साल का प्रोडक्शन रहता था, करीबन 3 मिलियन बैट्स हम बनाते थे, तो ये जुलाई से लेके अभी तक अगर आप देखेंगे तो हमने करीबन 4 मिलियन बैट्स अभी तक प्रोड्यूस किए हैं, और जो हमारी डिमांड है 7 मिलियन बैट्स, वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पा रही है, जबकि वर्ल्ड कप हमारे सिर पे है। पूरी दुनिया सिर्फ इंग्लिश विलो से खेलती थी, और उस इंग्लिश विलो को वो लोग क्या करते थे, दैट वॉज वेरी कॉस्टली। तो हमारा जो बैट है, अगर आप प्लेयर एडिशन बैट देखेंगे जो इंग्लिश विलो का आता है, वो करीबन 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है, लेकिन वही बैट अगर आप कश्मीर से लेंगे वो हम देते हैं 10 से 15 हजार रुपए में। दरअसल विलो नाम का पेड़ इंग्लैंड के बाद सिर्फ कश्मीर में ही उगता है। बताया जाता है कि 1918 में अंग्रेज ही कश्मीर में विलो का पेड़ लेकर आए थे, और इसकी पैदावार कश्मीर में तेजी से होने लगी। मौजूदा वक्त में इंग्लैंड के बाद कश्मीर ही विलो बैट का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, और इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से इन बल्लों की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इन्हें बनाने वाले इसकी सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग पहले 1000 बल्ले का ऑर्डर देते थे वो अब 3 से 4 हजार बल्ले का ऑर्डर दे रहे हैं। 10 साल पहले प्रतिवर्ष कश्मीर में 2.5 से 3 लाख बल्ले बनाए जाते थे, लेकिन अब यहां हर साल करीब 30 लाख विलो बैट का उत्पादन हो रहा है। एक विलो बैट की कीमत 300 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की हो सकती है, हालांकि जो सबसे सस्ते बैट होते हैं उनके सिर्फ हैंडल ही विलो की लकड़ी से बने होते हैं। दावा किया जाता है कि कश्मीर की विलो बैट इंडस्ट्री 102 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और अब सिर्फ कश्मीर में इसका सालाना कारोबार करीब 300 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। मौजूदा वक्त में विलो बैट इंडस्ट्री से करीब 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में कश्मीर के जिस विलो बैट से आप चौके और छक्के लगते हुए देखेंगे, उन्हें किस तरीके से तैयार किया जाता है। इंग्लिश विलो पेड़ की 5 प्रजातियां होती हैं। जिस प्रजाति का क्रिकेट बल्ला तैयार किया जाता है उसे सेलिक्स अल्बा क्यूरुलिया कहा जाता है। यह विलो पेड़ का साइंटिफिक नाम भी है। एक विलो पेड़ को तैयार होने में करीब 10 से 12 साल का वक्त लगता है। एक पेड़ के तैयार होने के बाद उसे काटकर सुखाया जाता है, और इसे सुखाने में भी करीब 1 से 1.5 साल का वक्त लग जाता है। एक पेड़ से लगभग 100 से लेकर 200 तक बैट निकल जाते हैं, बाकी पेड़ जितना मोटा होता है उस हिसाब से बैट भी निकलते हैं। और इतने लंबे इंतजार और कड़ी मेहनत के बाद कश्मीर का विलो बैट बाजार में उपलब्ध होता है। अब यही बल्ले क्रिकेट वर्ल्ड कप में धमाल मचाने वाले हैं। इस बार जो आप क्रिकेट वर्ल्ड कप देखेंगे, और सत्ता में अब बात भ्रष्टाचार वाली कुंजी की, जो भारतीय फिल्मों को प्रमाण पत्र देने वाली संस्था से जुड़ी हुई है। आप जब फिल्में देखते हैं तो शुरुआत में आपको एक प्रमाण पत्र दिखता होगा, इसमें यू सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट जैसे कोड वर्ड लिखे होते हैं। फिल्मों को यह सर्टिफिकेट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC देता है, लेकिन आज इन्हीं सर्टिफिकेट्स को लेकर कई चुभने वाले सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। इन सवालों पर गौर कीजिए।
क्या सेंसर बोर्ड से फिल्म पास कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? क्या फिल्म को पास कराने के लिए जेब गर्म करनी पड़ती है? क्या सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट अब बिकाऊ हो चुका है? क्या घूस देकर मनचाहा फिल्म सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है? सेंसर बोर्ड को 7.5 लाख रुपए की घूस के दावे की सच्चाई क्या है? यह सवाल इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत के एक अभिनेता और फिल्म मेकर विशाल ने सेंसर बोर्ड पर अपनी फिल्म मार्क एंटनी को पास कराने के लिए घूस देने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भ्रष्टाचार को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाया जाना ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में नहीं, यह हजम नहीं हो रहा है, खासकर सरकारी दफ्तरों में और CBFC के जो मुंबई कार्यालय है यहां तो और भी ज्यादा बुरा लगता है। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी फिल्म मार्क एंटोनी को हिंदी में सर्टिफिकेट लेने के लिए 7.5 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ी। इतना ही नहीं, अपने इसी ट्वीट में विशाल ने उन दो अकाउंट्स के डिटेल भी दिए जिसमें उन्होंने रिश्वत की रकम ट्रांसफर की है। ये दो अकाउंट हैं, एक में 3 लाख रुपए और दूसरे में 3.5 लाख रुपए, कुल 6.5 लाख रुपए। इस ट्वीट में बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड समेत सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अंत में उन्होंने अपने ट्वीट में PM नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के CM से इस पर ध्यान देने की भी मांग की है। उनका बयान भी हमारे पास मौजूद है, वो आपको एक बार हम सुनवा भी देते हैं और इस पर क्या एक्शन हो रहा है, प्रतिक्रियाएं कैसी आ रही हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। When my person had visited the place, there was 6.5 lakh ka price rakha certification karne ke liye aur certificate milne ke liye usi the sham ko. So we were left with no option. Pehle 3 lakh bhejna tha dekhne ke liye film aur 3.5 lakh certificate mangne ke liye. 6.5 लाख में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने पे किया पहले 3 लाख और एक अकाउंट में और दूसरा अकाउंट में 3.5 लाख और मिल गया मेरा सर्टिफिकेट और आज फिल्म मार्क एंटनी रिलीज हुआ। एक्टर विशाल के बयान और उनके आरोप बहुत संगीन हैं। उन्होंने एक तरीके से यह संकेत दिया कि सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट बिकते हैं, इनकी भ्रष्ट सेल लगती है, पैसे देकर कोई भी सर्टिफिकेट खरीदा जा सकता है। सेंसर बोर्ड पर लगे इस आरोप से फिल्म इंडस्ट्री सकते में है, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तुरंत एक्शन लेने की बात कही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक ट्वीट किया कि एक्टर विशाल ने CBFC में भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार करप्शन को लेकर 0 टॉलरेंस रखती है, जो कोई भी इस मामले में शामिल होगा उसके खिलाफ कठोर कदम उठाया जाएगा। एक्टर विशाल के ट्वीट पर सरकार ने एक्शन का भरोसा दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर मुंबई तक नेताओं और अभिनेताओं के रिएक्शन भी आने लगे हैं, सभी ने सरकार से त्वरित एक्शन की मांग की है। हालांकि इसको लेकर के सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली से एक अधिकारी को वहां पर भेजा जाएगा और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। नतीजा हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द सामने लाने की कोशिश भी होगी। इन सबके बीच में देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।